नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं Newslivemp.com। मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं और फिलहाल ग्वालियर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके क्या हाल हो गए हैं जरा अंदाजा लगाइए। एक मंत्री जो जहां जाता है वहां पैर छूता नजर आता है, और जब लोगों को वो पैर छूते नजर नहीं आते तो लोग डिमांड करते हैं वंस मोर, और भरे मंच पर वो मंत्री फिर से पैर छूने का रिप्ले करके दिखाता है। और एक बार नहीं, ये रिप्ले बार बार हो रहा है। कभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पैरों में गिर रहे हैं, कभी किसी मतदाता मजदूर के पैरों में गिर रहे हैं, और अब तो हद ही हो गई। ये मंत्री जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, शिवराज कैबिनेट में भी शामिल हो चुके हैं, वो कांग्रेस कार्यकर्ता के पैरों में गिरे चले जा रहे हैं। बार बार कोशिशों के बावजूद उठने को तैयार नहीं है। कौन है ये मंत्री? ये मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो ग्वालियर विधानसभा से अपना भविष्य आजमा रहे हैं, चुनाव के लिए, जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल में पूरी तरह से सक्रिय है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, पर न जाने क्या बात है कि सिंधिया समर्थकों के मन में हार का डर बैठा हुआ है, और इस वजह से वो काम कर रहे हैं जो किसी जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी मर्यादाओं पर शोभा नहीं देता। हाल ही में एक वीडियो प्रद्युम्न सिंह तोमर का वायरल हो रहा है, जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर गए हैं और पहले तो उससे गुजारिश करते रहे, जब वो नहीं माने तो पैरों में ही गिर गए। कांग्रेस कार्यकर्ता का बेटा भी उस जगह पर मौजूद था, जो बार बार कहता रहा, अंकल प्लीज़ ऐसा मत करिए, अंकल प्लीज़ ऐसा मत करिए, लेकिन अंकल नहीं माने। नहीं मानने की वजह ये है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर बखूबी जानते हैं कि अगर उनके पुराने साथी अगर उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस में रहकर चुनाव प्रचार करते रहे कांग्रेस के लिए, तो शायद उनकी जीत की राह में बहुत बड़े रोड़ा बन सकते हैं। और यही वजह है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर की ये कोशिश रही कि किसी भी तरह वो कांग्रेस कार्यकर्ता मान जाए और उनके साथ ही चुनाव प्रचार में बीजेपी का साथ दे, यानी प्रद्युम्न सिंह तोमर का साथ दे। या संभवतः ये भी मंशा हो सकती है कि भाई कांग्रेस मेरा साथ नहीं दे सकते तो कम से कम कांग्रेस का साथ भी मत दो। हालांकि प्रद्युम्न सिंह तोमर पूरे वीडियो में यही कहते सुने जा रहे हैं कि नहीं, आपको तो मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। पर ताज्जुब देखिए कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो मंत्री जी के पैरों में गिरने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ, और आखिर तक उनका जवाब यही रहा कि नहीं, वो नहीं चल पाएंगे। ये वीडियो देखिए और आप ही अंदाज लगाइए कि सिंधिया समर्थक के इस नए नवेले पैरों में गिरने वाले तेवर के बारे में आप क्या कहेंगे। नमस्कार, भाई साहब मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अंकल ऊपर आ जाए, अंकल ऐसे मत करो, नहीं मेरी बात आपसे मैंने कभी नहीं भेजा, रघुनाथ भेजा, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लो, मेरी बात बस, मैं मेरी विनती मान लो, मेरी विनती मान लो, नाम दे दी, मेरी विनती मान लो, नहीं मेरी विनती ना, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कौन क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरी विनती अच्छा मैं आपसे तुम मेरी बस काम कर लो बस।